हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की ये क्लास सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता तथा समरूपता, कांग्रुएंस एंड सिमेट्री। आज आप पढ़ेंगे पूरा, क्लास में एंड तक बने रहना। अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सर्वांग समता तथा समरूपता क्या है, इसको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, फिगर के माध्यम से दिखाएंगे और वस्तुओं के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन आप क्लास को अगर लास्ट तक देखेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस मुश्किल से 20 से 25 मिनट, तो आपका ये लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। आप कक्षा 5 में हैं, 7 में हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड में बीटीसी कर रहे हैं, बीएड बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हैं, ये सब के लिए। कुछ लोग जो सीसेट वगैरह देते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत बनती है मैथमेटिक्स, तो उनके लिए भी कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो ऐसे समझ लो, ये सब के लिए। पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें 3 टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हेडलाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला, सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में गहराई से आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। दूसरा, त्रिभुजों की कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तीसरा, कांग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता। सब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला करके पढ़ाया जाएगा, बस आपको देखना है दिल लगा के पूरा। चलिए दिखाते हैं, क्लास छोड़ के नहीं जाना। लेकिन आज की इस क्लास में आप नया चैप्टर सीखेंगे, क्लास 7th के एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो यार, ये सर्वांग समता वर्ड क्या है, समरूपता क्या है, इसके बारे में कुछ हम गहन अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ज़रा आप ध्यान से देखो, आपके सामने क्या है, ये दो डिब्बी रखी हैं इंक की, दिख रही ना, इनको ऐसे करके भी देख लो, दिख रही। इन दोनों में आपको एक चीज़ अंतर नज़र आ रहा होगा, कोई है, कोई अंतर क्या? दोनों एक जैसे हैं ना, एक जैसे ढक्कन है, एक जैसे लाल पीला बना, एक जैसे बूंद बना है, एक जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी है 100 ml, इसमें भी सब कुछ वही है ना। तो ये डिब्बी कौन सी हैं, ये डिब्बी कौन सी हैं आपको पता है? ये डिब्बी सर्वांगसम हैं। क्या हैं ये? सर्वांगसम हैं, जिन्हें इंग्लिश में कांग्रुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रुएंस बोलते हैं, CONGRUENCE, ठीक ना, बात समझ में आई। अगर मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल पेश करता हूँ, इसको हटा दो, इधर साइड में कहीं रख दो, दूसरा एग्जाम्पल ये देखो आप, ये दोनों में कोई अंतर लग रहा है आपको, कलर में या लंबाई में मोटाई में कुछ अंतर लग रहा है? नहीं ना। देखो कहीं भी बनावट देख लो, यहाँ भी दरार टाइप का है, यहाँ भी है, इसमें भी एक टांगने वाला लगा है, इसमें भी लगा है ना, इसमें इधर हल्का कट है, इधर भी है। मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्वांगसम हैं कि समरूप हैं? सर्वांगसम हैं, सर्व अंग सम मतलब सभी अंग एक समान। अगर ये अंगुली इतनी बड़ी है तो ये भी इतनी बड़ी रहे, या अंगुलियां सर्वांगसम नहीं है, समरूप हैं। समरूप क्यों हैं? क्योंकि इनमें कट देखो 3 बना है ना, इसमें भी बना है, लेकिन ये बराबर नहीं है। बराबर होती तो सर्वांगसम कही जाती, तो ये समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, बात समझ गए ना, ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें, ये अंगुली इस हाथ की और इस हाथ की अंगुली कंगुरी छोटकी वाली, तो ये क्या है? ये सर्वांगसम है, ये एकदम बराबर होंगी। अगर इनको दोनों को मिलाएं तो ये क्या है? देखो एकदम बराबर है, सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है, लेकिन ये आपस में सर्वांगसम नहीं है हाथ की। दूसरा एग्जांपल और भी देख लो, ढेर सारे एग्जांपल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये दोनों एग्जांपल देख लो, ये दोनों क्या हैं, ये भी दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्वांगसम हैं, क्योंकि दोनों एक समान है, टोपी भी वैसे है, कैप भी देखो उसी कलर में भी है, बाकी वगैरह जो भी चीज़ें लिखी पढ़ी सब हैं वैसे हैं, एकदम सेम, यानी ये क्या है? सर्वांगसम है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये सर्वांगसम है सब, तो समरूप क्या होता है? तो मैं उसको भी यहीं पर दिखा दूंगा, समरूप क्या होता है। जैसे मैंने ये डिब्बी इसमें का ले लिया, इसमें का ये ले लिया, तो ये दोनों क्या है? समरूप हैं, ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। अब ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप हैं। समरूप का मतलब ये कि इसमें भी एक ढक्कन लगा है, इसमें भी एक ढक्कन लगा है, इसकी टंकी थोड़ा बड़ी है, इसकी टंकी थोड़ा छोटी है, लेकिन है उसी रूप की, है उसी रूप की, काम वही करती है, ये भी इसमें ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है, कलर से कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हो ना। तो ये होता है क्या? सर्वांगसम और समरूप में अंतर। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कमेंट करके जरूर बताना सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। समरूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता देता हूँ, समरूप को इंग्लिश में कांग्रुएंट बोलते हैं। इंग्लिश में भी देख लो आप लोग,
ये सर्वांगसम है, कैंग्रुएंस होता है, समरूप मतलब कांग्रुएंट होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, आर यू ई एन टी होता है, इसमें आर यू ई एन सी होता है। समरूप मतलब एक प्रकार से आप समझ लो भैया सिमिलर, ठीक है। सर्वांगसमता की एक परिभाषा समझ लो जो किताबी परिभाषा है। किताबी परिभाषा ये कहती है कि जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढांक लेती है तब वो क्या कहलाती है, समरूप, ओ सॉरी, सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। अक्ष देखो, जब एक आकृति का अक्ष यानी कि ट्रेस कॉपी दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले तो इसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। मतलब ये आकृति अगर काट करके इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा पूरा इसको ढक ले, दिखे ना कहीं, तो वो क्या कहलाएगी, वो सर्वांगसम कहलाएगी। जैसे ये डिब्बी देख लो, एग्जाम्पल के लिए इसको बार बार ला रहा हूँ, अगर मैं इस डिब्बी के ऊपर ये डिब्बी चढ़ा दूँ, ये देखो, और इसको पूरा पूरा ढक ले, कहीं से दिखे ना, देखो दिख रहा है क्या कहीं से, बोलो दिख रहा है। अगर सही से बैठ गया, मेरे रखने में गलती ना हुई, तो आप नीचे वाले डिब्बी का एक पार्ट नहीं देख पाओगे कहीं से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, इसको ऊपर कर दो तब नीचे वाली नहीं दिखेगी, कहीं से भी नहीं दिखेगी हल्का भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम है। लेकिन अगर हम बोलें कि भैया इस डिब्बी के ऊपर इसको चढ़ा दो, मतलब आप समझ रहे हो, भेड़ के ऊपर हाथी, तो ये देखो नीचे वाली डिब्बी तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको इसके ऊपर करोगे तो इसको पूरा पूरा नहीं ढक रही है, नीचे वाली डिब्बी दिख रही है, दिख रही है ना, तो ये आकृति इस प्रकार की क्या है, ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब ये है कि अगर उन दोनों आकृतियों को जिनको आप सर्वांगसम बता रहे हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो पूरा पूरा ढक लें एक दूसरे को, कहीं से भी दिखे ना, तो वो सर्वांगसम होती है, अन्यथा समरूप कहलाती है। जैसे दोनों हथेलियाँ क्या हैं, ये क्या है, ये सर्वांगसम है। इनको अगर ऐसे आप करोगे, ऐसे करके करोगे तो नीचे वाली कहीं दिखेगी अंगुली, नीचे वाली कहीं दिखेगी अंगूठा छोड़ के, अंगूठा क्योंकि सीधा सीधा वैसे नहीं बैठेगा हमारा, फिलहाल हो सकता है आपका हो जाए, तो देखो और सभी अंगुलियों में चारों में देखो नीचे वाली दिख रही है क्या, अब अगर सही से आप रख पाए हो तब, नहीं रख पाए हो तो अलग बात है, नहीं दिख रही ना, मतलब मैंने दोनों हाथ को नीचे ऊपर रखा है, अगर उंगुलियों को आप ध्यान से देखो तो नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समरूप नहीं है, सर्वांगसम है, समझ गए ना। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ ये अंगुली इसके क्या है तो ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन इसमें भी जैसे बना, इसमें भी बना, इसमें भी बना, इसमें भी बना है, समझ रहे हो ना। तो ये होता है सर्वांगसम और समरूप की पूरी कहानी। हर प्रकार की आकृति में और हर जगह इसकी जो कंडीशन है अलग अलग होती है, रेखाखंडों में अलग होता है, आकृति में अलग होता है, ठीक है, कोण में अलग होता है इसका नियम कंडीशन। आकृति में मैंने दिखा दिया आपको, जैसे डिब्बी वगैरह का आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। इसमें आप ये भी कर सकते हो, इसको आप ब्लेड से काटो ऐसे बराबर से और इसको लाके इसके ऊपर रख दो, पूरा पूरा ढक लेगा तो सर्वांगसम है। वहीं अगर रेखाखंडों में सर्वांगसमता की बात करें तो इसमें ऐसे देखा जाता है कि दोनों रेखाखंड अगर बराबर लंबाई के हैं तो वो सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि रेखाखंड कभी मोटा पतला नहीं होता है कि एक रेखाखंड आप मार्कर से खींच दो मोटी वाली पेन से और एक रेखाखंड आप छोटकी पेन से खींच दो तो कहो ये मोटकी है ये पतल की है, ऐसे नहीं, मतलब आप बराबर मोटाई का खींचोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेखाखंडों में सर्वांगसमता। अगर हम आगे बात करें इसमें कोणों की सर्वांगसमता के बारे में, तो यहाँ पर कुछ मटेरियल हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। कोणों की सर्वांगसमता में क्या है भैया, यदि दो कोणों की माप जो है एक समान हो तो वो सर्वांगसम होते हैं। कोणों की माप एक समान हो कहने का मतलब, अगर एक कोण 40 अंश का है तो दूसरा भी 40 अंश का होगा, अगर एक 30 अंश का है एक 40 अंश का है तो ये सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका झुकाव ज़्यादा कम हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा इसमें कम अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा अंतर वाला दिखा देता हूँ। देखो इन दोनों में ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्वांगसम कोण हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसकी खोपड़ी तो ज़्यादा बड़ी है, यहाँ तक निकली है, इसकी तो छोटी है, तो ये दोनों सर्वांगसम कैसे हैं। लेकिन ये दोनों सर्वांगसम हैं क्योंकि ये जो निशान होता तीर का, ये सिर्फ दिशा बताती है, इसे आप कितनी भी बड़ी खींच दो इससे नहीं मतलब है। ये झुकाव देखा जाता है, ये जो 40 का है इसमें भी 40 है, इसमें भी है। जबकि इसमें अगर मैं बात करूँ आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें देखो ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही रेखाओं की लंबाई बराबर हो, इसकी इसकी बराबर हो, इसकी और इसकी बराबर हो, लेकिन ये देखो तो सीधा सीधा 90 अंश का कोण बना रहा है, ये सीधा है और सीधा है, और ये बहुत ज़्यादा बना रहा होगा, 30-40 के बीच बना रहा है, मतलब इन दोनों का जो झुकाव है इतना, देखो इसका फैलाव इतना है जबकि इसका इतना ही है, ये चीज़ बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई ना, देखो लाइट भी आ गई, बात समझ में आई ना। तो ये होता है कोणों में
सर्वांग समता की शर्तें आप समझ गए हो अच्छी तरह से। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। अगर आप इसे डेमो देख रहे हैं तो इतना कर लीजिए। अगर आप इसे ऐप में लिए हैं, कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात आती है, वो क्या है? वो है सर्वांग समता का चिन्ह। जैसे अगर हमने कहा आपसे ए लिखो तो आप जानते हो ए ऐसे लिख दोगे, बचपन में पढ़े हो ए बी सी डी, ए है। उसी तरह से सर्वांग समता का भी एक चिन्ह होता है जिसमें दो लंबी लाइन खींची जाती हैं समांतर और एक लाइन ऐसे तिरछी मिर्ची ऐसे नीचे गड्ढा करके ऐसे खींच देते हैं। ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अगर कहीं लगा है तो आप ये बात समझ जाना कि सर्वांग सम है। अगर कहीं ऐसे लिखा है ए और बीच में ऐसे दो लाइन है और फिर ऊपर से ऐसे लाइन गई है और बी लिखा है, इसका मतलब ए सर्वांग सम बी। समझ गए ना? भूलना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। बोर्ड पे कुछ कारणों से आज संभव नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाया होता। आगे देखना, अभी आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि सर्वांग समता तथा समरूपता पढ़ लिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे अगला हेडलाइन, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आपने अभी सर्वांग समता और समरूपता पढ़ा, ये समरूपता और सर्वांग समता ये सबके लिए कॉन्सेप्ट था। कोई फिगर है, कोई वस्तु है, कोई कुछ भी चीज़ है, सबके लिए था भाई। सर्वांग समता समरूपता हर किसी पे लागू होती है, किसी भी वस्तु पर लागू कर दो। जैसे मान लो मैंने ये दोनों पेन ले लिया, क्या है ये सर्वांग सम है या समरूप है? भैया कुछ भी नहीं है ये, ना तो सर्वांग सम है ना समरूप है, क्योंकि इसकी बनावट अलग है, अलग है, सब सिस्टम अलग है। लेकिन मैंने इसको ले लिया, क्या है ये दोनों सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम है, सब उतने बराबर है, उतने लंबी चौड़ी, उतने मोटी हट्टी कट्टी है, समरूप भी है। हाँ समरूप भी है, दोनों एक समान रूप में है। कोई भी वस्तु जो सर्वांगसम है वो समरूप हो सकती है, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी समझ लीजिए, इसका पूरा डिटेल समझ लीजिए कैसे क्या है, इनके कई नियम होते हैं सर्वांगसमता, पूरा एंड तक देखना। चलो आगे दिखाते हैं। आज हम आपको त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको एक बात बताया था, वो क्या था कि जैसे मान लो ये दो मैंने डिब्बी लिया है, तो इनको अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी दोनों की जो आकृति है, जो संरचना है, वो एक जैसी है। देखो कलर पे मत जाना, कलर में ब्लैक भी यहाँ पे रखा हूँ, आपको ब्लैक भी दिखा सकता हूँ। तो मतलब टोपी वैसे है, ढक्कन भी इसमें है, इसमें भी, ये बनावट देखो, इसका गोलाई भी वैसे, सब कुछ वैसे है ना। लेकिन ये क्या सर्वांगसम है? नहीं, ये समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब ये होता है सर्व अंग सम, मतलब ये दोनों सर्वांगसम है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ दोबारा से, सर्वांगसम का मतलब सब बराबर, समझ रहे हो ना? तो ये दोनों सर्वांगसम है, लेकिन अगर इसमें से मैं कोई एक हटा देता हूँ, इनको लेता हूँ, तो ये सर्वांगसम नहीं है। तो उस तरह से सर्वांगसमता के बारे में हम पढ़ेंगे, त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुजों का थोड़ा सा अलग रूल होता है इन सभी साधारण वस्तुओं से हटकर। वो क्या है? देखो तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब हो सकता है? उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों, सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। या फिर अगर ये नहीं है तो छोड़ो, जाने दो। दूसरी कंडीशन है, यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा बराबर हो, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। कब कब? दो त्रिभुज सर्वांगसम पहला नंबर तो तब हो सकता है जब उस दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं सभी क्या हों, मतलब इक्वल हों, बराबर हों, एक दूसरे के क्या हों, बराबर हों। और दूसरा क्या है कि दो कोण बराबर हों दोनों त्रिभुज के और उसके अंतर्गत जो भुजा आती है दोनों कोण के वो भी बराबर हो। या फिर अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो तीसरा क्या है कि दो भुजा और उसके अंतर्गत आने वाला एक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग कंडीशन में, उसके लिए हमारे साथ बने रहना एंड तक और फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अलग अलग कंडीशन में कैसे होता है त्रिभुजों का सर्वांगसमता। ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आप क्लास पढ़ सकें। कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ हर दिन शाम को 5 बजे से, नहीं सॉरी 7 बजे से चल रही, शाम को 7 बजे से, मंडे टू फ्राइडे।
देखिए त्रिभुज के सर्वांग समता की तीन शर्तें हैं, जिसमें यस 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 सर्वांग समता, ट्रिपल यस सर्वांग समता, ये क्या होती है, मतलब साइड 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 सर्वांग समता। जैसा कि अभी आपने जस्ट देखा था, हमने बताया था पहली शर्त होती है भुजा भुजा भुजा, है ना, मतलब अगर दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, अंतर्गत भुजाएं जो हैं, वो अगर बराबर हैं, क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो भी त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो भैया इसे क्या बोलते हैं, यस यस यस, यहाँ पर मतलब समझ लो, यस का मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा, ठीक है, यस मीन्स साइड और साइड मीन्स भुजा, और जो ये लिखा है ए का मतलब है भैया आर्म्स, ठीक है, आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है, ओ सॉरी साइड मतलब भुजा, तो आर्म्स मतलब क्या होगा, सॉरी ए मतलब एंगल, क्या होगा, एंगल, ए एन जी एल ई, एंगल, एंगल मतलब कोण, ठीक है, तो ए का मतलब कोण, यस का मतलब साइड यानी भुजा। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब किन्हीं दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो सर्वांग सम हो सकता है, तो मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, इसे क्या बोलेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। लेकिन तीनों का फिगर हम आपको दिखाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि ये कैसे होता है। तीनों हेडिंग लिख लो, उसके बाद हम एक एक पे चलते हैं। याद रखना क्लास 7th की NCERT मैथ चैनल नंबर 3 पर चल रही है, जिसका नाम ऊपर आपको रेड कलर में भी दिख जाएगा, उसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये क्लास 15 अगस्त के बाद उसी चैनल पे चलेगी, तो 15 अगस्त के बाद उसी चैनल पे चलेगी, मेन चैनल PBR स्टडी इलाहाबाद पे नहीं चलेगी। देखो इसे अच्छे से समझ लो क्या कहता है ये, बहुत ध्यान से देखो, यस 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 सर्वांग समता मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो ऐसा त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि पहला त्रिभुज है PQR, PQR की अगर हम भुजा देखें RP, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है, कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, और इसकी संगत भुजा अगले त्रिभुज में क्या है, इसकी संगत भुजा अगर देखें अगले त्रिभुज में तो AC है, AC भी 4.5 है, यानी बराबर है ना। वहीं अगर इसकी दूसरी भुजा की बात करें QR, तो QR है 5 सेंटीमीटर, और इसकी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में देखो तो है BC, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब ये संगत भुजा क्या होती है, आसन्न कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है, इनके बेसिक अध्ययन के लिए आप पिछले क्लास को देखिए, ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करिए, क्योंकि जीरो लेवल मैथ में ये सब पढ़ा दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट में इसमें नहीं है, ठीक है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, इसके पिछली क्लासों में सब क्लियर कर दिया गया अलग अलग, समझ में है ना। तो वहीं अगर एक और भुजा की बात करें PQ की, तो भैया ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी संगत भुजा जो इसमें AB है वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो कहने का ये मतलब आप देख रहे हो फाइनल में ये सभी भुजाएं क्या हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के इक्वल हैं, अतः ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, इसको ऐसे बना लेना, कैसे होता है चिन्ह भैया, दो बार बराबर खींच देना, उसके बाद ऊपर एक ऐसे डंडी खींचना, ऐसे नीचे घुसाना, फिर ऐसे ऊपर से निकाल देना, बस ऐसे, ये क्या है, सर्वांगसमता का चिन्ह है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि 15 अगस्त के बाद आपकी ये क्लास PBR स्टडी के चैनल नंबर 3 पर चलेंगी, जिसका नाम है PBR स्टडी क्लास 9th एंड 10th। आप PBR स्टडी 3.0 लिखकर यूट्यूब पे सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, जिसमें 4,000 से 5,000 स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास 9th वाले, 4,000 से 5,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाके जुड़ जाओ फटाफट, क्योंकि इसमें भैया 1.5-2 लाख स्टूडेंट हैं, लेकिन ये कई तरह के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जैसे हो ना वैसे चैनल में जाओ, फटाफट ज्वाइन करो, आज ही सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में देखो आपको ये नाम दिख रहा होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना, जो मैंने लिखा रेड कलर में, इसको लिख के जैसे सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए, ABC और DEF, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। जरा ध्यान से अगर आप देखो तो ABC में आपको दिख रहा होगा कि इसकी भुजा AB 7 सेंटीमीटर है और भैया BC 5 सेंटीमीटर है, वहीं AC का माप दिया ही नहीं है। इसी तरह अगर अगले में देखो तो DE 5 है और EF क्या है, 7 सेंटीमीटर है। हम बात कर रहे हैं SAS, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, मतलब कंग्रुएंस की। ये क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत आने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उनके संगत कोण के बराबर होता है, तो इस तरह से त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। आप इसमें देखो, नीचे स्पष्टीकरण लिखना चाहो तो लिख दो, उपरोक्त चित्र में भुजा AB इक्वल EF, EF क्या है, AB भुजा के संगत भुजा है दूसरे चित्र में, ठीक है कि नहीं,
ये कितना है 7 सेंटीमीटर, लिख दो मेरे कट में, ठीक है। आगे लिखो दूसरी भुजा कौन कौन सी है भैया, BC, BC बराबर है DE के, ब्रैकेट में लिख दो 5 सेंटीमीटर, और अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण कौन सा है, B किसके बराबर है, अंतर्गत कोण E के बराबर है, और बराबर लिख दो 50 सेंटीमीटर। आप नीचे लिखो भाई, लिखो भी ना, हम जरूरी कि सब लिखें यहाँ पर, हिंदी तो लिखना आता है ना, लिखो। आता है यस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत, यस ए एस ये मैंने लिखा है, एस ए एस आता यस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। क्या है दोनों त्रिभुज, कांग्रुएंस हैं, सर्वांग सम हैं, लिख लो जल्दी से। अगला है ए एस ए सर्वांग समता, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, जिसे कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इसमें क्या होता साथियों, इसमें यह होता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा के इक्वल होते हैं तो सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे इसमें दो त्रिभुज आप देख रहे होंगे, एक इधर बना है भैया AOC और इधर बना है BOD। इसमें अगर आप देखो तो शीर्षाभिमुख कोण AOC मतलब ये कोण O, और इसका भी शीर्षाभिमुख कोण BOD ये वाला, दोनों बराबर हैं, बराबर है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोण AOC इक्वल कोण BOD, भाई बराबर है ना। क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप यहाँ लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, ये मैं आपको सब पता चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, नहीं आता तो कमेंट करके बताना, बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक बात और देखो तो और भी एक कोण बराबर है, कौन, कोण सी बराबर कोण डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है कि नहीं, है ना, तो बताना अगर नहीं समझ में आएगा तो, इसको लिख लो जल्दी से। तो इस तरह से, और हाँ, भुजा AC इक्वल भुजा BD, AC इक्वल BD, ये क्या है, अंतर्गत भुजा है इन कोणों के, अंतर्गत है कि संगत भुजा है, संगत भुजा है, मतलब इन दोनों कोणों की संगत भुजा, यानी कोण जो 70 अंश का बन रहा है और कोण 30 अंश का बन रहा है, इन दोनों की संगत भुजा AC है ना। इसमें भी वैसे चाहे 30 अंश वाला कोण ले लो, चाहे ये वो सॉरी 70 वाला या 30 वाला, दोनों की क्या है, संगत भुजा ये BD है ना, क्योंकि इसी से तो जुड़ा है ना, संगत मतलब जानते हो जो उससे जुड़ा हुआ हो, बस यही समझो एक प्रकार से। तो जिस तरह कंडीशन इधर है उसी तरह उधर भी है, इसे आप लिख लो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसे आप थोड़ा अच्छा तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोण C और कोण D के बराबर है, उसी तरह से ये कोण A कोण B के बराबर होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सोचो अगर इसमें कोण C 70 है और ये 30 है शीर्षाभिमुख वाला, तो जो बचेगा ये 80 बचेगा, क्यों, क्योंकि 70 30 100 और 80 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो उसी तरह यहाँ भी 70 और ये 30 अगर होगा तो 100 होगा, और ये क्या बचेगा, 80 बचेगा, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, 80 होंगे। तो ये भी क्या है, क्या है ये, है ना, बराबर होंगे ना, ये A और B बराबर है ना। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो नीचे कोण A बराबर कोण B, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से ये त्रिभुज क्या होंगे, दोनों सर्वांगसम होंगे। इनका एक एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने बहुत कुछ बता दिया, एक उदाहरण देखो सवाल का तो समझ में आएगा। देखो, देखिए आपकी किताब का सवाल है, ध्यान से देखना, क्लास 7th की NCERT बुक का ये पेज नंबर 157 पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसी की तर्ज पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। 157 नंबर पेज है, कक्षा 7 की NCERT मैथ है साथियों। अभी हमने बताया था क्लास 9th ना, वो थोड़ा मिस्टेक थी, क्योंकि 9th वाला मैथ भी इस समय चल रहा है, ये 7th वाली मैथ आप देख रहे हो, ठीक है। तो भैया इसको हल कैसे करेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग कर करके ये निष्कर्ष निकालो कि ये त्रिभुज AOC और ये BOD दोनों सर्वांगसम हैं। तो कैसे लिखोगे, कैसे निष्कर्ष निकालोगे, मतलब कहने का ये सिद्ध करो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो चलो लिखो फटाफट, जल्दी से लिख लो, दो त्रिभुजों, ऐसे आपके बुक में भी होगा, देखो चाहे लिखो, दो त्रिभुजों कौन कौन सा है, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD, दो त्रिभुजों त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD में
देखो हम नहीं लिख रहे हैं जो चीज़, वो भी आप लिखो, ठीक है? मैंने बोला दो त्रिभुजों, तो यहाँ पे आप त्रिभुजों में लिख दो भैया, ये भी लिख दे रहा हूँ, लो दो त्रिभुजों, त्रिभुज AOC और BOD में कोण C बराबर क्या है, कोण D, बोलो है कि नहीं, कोण C बराबर कोण D, ये दिया गया, ब्रेकेट में लिख लो 70 अंश, दिया गया कि नहीं दिया गया है, सी डी दोनों 70 है ना, है ना, संगत कोण है कि नहीं है, क्या है बताना, कमेंट करके बताना, संगत कोण है, एकांतर कोण है, किस प्रकार के कोण है ये। आगे चलो, ये तो दिया है, इसके अलावा इसमें और भी कुछ दिया है, वो क्या दिया है, कोण AOC बराबर कोण BOD भी दिया है, कोण AOC बराबर कोण BOD भी दिया है, लिखो कोण AOC बराबर कोण BOD भी क्या है, दिया है, ब्रेकेट में लिख लो 30 अंश, या फिर ऐसे बराबर लिख लो 30 अंश, कहाँ दिया है ये देखो, 30 अंश दिया है, जैसे AOC है उसी तरह से BOD भी है, अगर ये 30 है तो भैया इधर साइड भी ये भी क्या होगा, 30 ही होगा। यहाँ पर ब्रेकेट में लिख लो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, हो गया, इतना इतना कर लिए। अब हमें इसमें एक बहुत बड़ा काम करना है, वो क्या करना है, हमें कोण A निकालना है, अगर कोण A निकल जाएगा तो कोण B भी आ जाएगा, तो भैया अगर कोण A आ गया कोण B आ गया, मतलब कोई भी त्रिभुज ले लो, इसमें ही ले लो, कोण A का मान भी पता हो गया, C का भी मान पता हो गया, तो क्या होगा, इसकी जो संगत भुजा है AC वो भी दूसरे के BD के बराबर है, तो सर्वांगसम हो गया ना, हो गया ना, तो इसे हमें निकालना है, यहाँ साइड हम करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A बराबर, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना भैया, होता है ना, तो क्या करेंगे, हमें दो कोण दिया है, देखो O दिया है C दिया है, तो हमें A निकालना है, तो हम 180 से इसको जोड़ के घटा देंगे, तो 180 धन क्या हो जाएगा, ये 70 धन नहीं यार, घटाएंगे तभी तो आएगा ना अगला, ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80, मतलब आप समझ गए कितना आ गया, 80, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये कोण क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, नीचे लिखो, इसी प्रकार से आप दूसरा वाला भी निकाल सकते हो, ब्रेकेट में चाहे लिख लो त्रिभुज के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए, नीचे अब अगला वाला भी कर लेना, इसी प्रकार कोण बी बराबर उसको भी निकाल लो भाई, कोण भी बराबर इसको भी ऐसे निकाल लो, 180 माइनस ये जोड़ दो 70 और ये 30, वो भी 80 कितना आएगा, 80 आ जाएगा, कोण भी बराबर 80 आ जाएगा, इसको कर लेना, इसी प्रकार कोण भी आ जाएगा 80। फिर नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिख दो, अतः यहाँ पर नीचे ये भी लिख लो, कोण A बराबर कोण B, हो गया, देखो आपके बुक में भी बस ऐसा ही दिया गया है, बिल्कुल हो गया, आप लिखो, इतना दिया है ना, अतः हमारे पास कोण C बराबर कोण B है और कोण A बराबर कोण B है, और एक चीज है, वो क्या है, AC बराबर BD है, संगत भुजाएं भी तो बराबर दी गई हैं भैया, तो यहाँ पे नीचे उस वहीं लिख लो, नीचे लिख लो AB बराबर BD, आगे लिख लो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, अब नीचे लिखो, अतः हमारे पास कोण C बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण B, भुजा AB बराबर भुजा BD, सिद्ध हुआ कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD सर्वांगसम है, समझ में आया ना, लिख लो बस, हो गया ऐसे, इसको आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हो, बस आपको केवल तरीका पता होना चाहिए कैसे करोगे। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सर्वांग समता पढ़ लिया, समरूपता पढ़ लिया, और त्रिभुजों की सर्वांग समता भी पढ़ लिया, अब लास्ट आप पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता, मतलब कांग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका लास्ट होगा इस अध्याय का, पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, थोड़ा भी, हाँ बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आपके लिए लाइफ में हर जगह काम आएगा, कहीं के लिए। तनहा बैठ कर न देख यूं हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी।
तकदीर भगवान नहीं बनाता है। आज के ज़माने में तकदीर इंसानों के कर्मों के द्वारा बनती है। अगर आप अच्छा काम करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, आपकी तकदीर बहुत अच्छी होगी। कुछ काम नहीं करोगे, गधा बने रहोगे, खच्चर टाइप के आलसी तन बन के बैठे रहोगे तो कहोगे हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो भैया किस्मत मत खराब करो, मेहनत करना शुरू कर दो। सर्वांग समता वाले चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है क्लास 7th की NCERT मैथ का। आज आप देखेंगे समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता, और इसी सर्वांग समता के साथ आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। बहुत ही ध्यान से देखो, पहले सबसे बड़ी बात इसमें है समकोण त्रिभुज। समकोण मत मीन्स होता है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का कोण जो बनाता है वो समकोण कहलाता है। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है, इसी को समकोण कहा जाता है। इसकी क्या है प्रतिबंध, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो, सामने लिखा है यदि किसी त्रिभुज का कर्ण, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, इसमें अगर बात करें तो ये, और एक भुजा का मीन्स आधार और लंब में से कोई भी एक भुजा, दूसरे संगत त्रिभुज के कर्ण, मतलब दूसरे समकोण त्रिभुज के, क्योंकि समकोण समकोण के बीच होगा, ये ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज है तो वो समबाहु या विषमबाहु के क्या हो जाए, वो सर्वांग सम हो जाए, नहीं, मैंने तो कुछ गलत बोला। यानी समकोण त्रिभुज है तो वो न्यून कोण या अधिक कोण त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं होगा। यहाँ कोण वाली बात है तो कोण से तुलना करेंगे, ऐसा नहीं कि समकोण की हम समबाहु से तुलना करेंगे, तब तो अलग हो गया, वो दूसरे मतलब बिरादरी के हो गए, ठीक है, ऐसे समझ लो। बाकी अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी तुलना न्यून कोण या अधिक कोण से नहीं करोगे। समकोण त्रिभुज की जो सर्वांग समता है वो समकोण त्रिभुज से ही नापी जाती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको स्टार्टिंग में ना। तो दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर अगर होती है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। बात समझ में आई ना, इसको नोट कर लो, जिनको भी लिखना है फटाफट लिख लो। जो अभी आपने पढ़ा इसको बोलते हैं RHS सर्वांग समता प्रतिबंध। क्या बोलते हैं? RHS सर्वांग समता प्रतिबंध, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड, मतलब आप समझ गए, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध, यानी इसकी सर्वांग समता का प्रतिबंध। जैसे आपने पढ़ा था अभी तक यस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध, ASA सर्वांग समता प्रतिबंध, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध, उसी तरह से ये भी इसमें से एक अलग प्रकार का है, ठीक है, इसका भी एक अपना प्रतिबंध होता है जो मैंने दिखा दिया। अब इस पे कुछ सवाल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ये। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, जिससे कि आपको हर एक क्लास मिल सके। ये अभ्यास प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखो, ईमानदारी से क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पे दो सवाल हैं, दोनों बहुत ध्यान से देखना। देखो इनकी डिटेल इधर साइड लिखी गई है बच्चा लोग, ठीक है, ये फर्स्ट है, वो क्या है सेकेंड है, त्रिभुज ABC के लिए इधर साइड में है, और इधर है त्रिभुज PQR के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो। इनमें आपको प्रतिबंध बताने हैं और इनको हल करना है कैसे, कि ये सर्वांग सम है, कंडीशन क्या है आपको बताना होगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा त्रिभुजों के युग्मों के कुछ भागों के माप दिए गए हैं। त्रिभुजों के युग्मों के कुछ भागों के माप दिए गए हैं, युग्म मतलब जोड़ा। RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करते हुए बताइए क्या यह त्रिभुज युग्म सर्वांगसम है या नहीं है। सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर का सांकेतिक रूप भी लिखिए। अगर ये सर्वांगसम है तो उत्तर का सांकेतिक रूप भी लिखो। देखो ये सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि इसमें जो कोण पी है वो कोण क्यू के क्या है, और सॉरी बी के क्या है, बराबर है एक प्रकार से, ये भी 90 वो भी क्या 90 है ना, बराबर है ना। तो आप क्या लिखोगे इसमें, लिखो यहाँ हल में, लिखो क्या लिखोगे, यहाँ लिखो कोण पी बराबर कोण बी, बोलो कोण पी इक्वल कोण बी है ना, अरे जी यहाँ दिख तो रहा है ना, लिख लो। इसके अलावा कर्ण AC जो है बच्चा वो कर्ण QR के बराबर है, चाहे देखो कर्ण AC 8 सेंटीमीटर है ना, और QR के बराबर है। QR देखो 8 है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं, देखो QR 8 है ना, AC 8 है ना, मतलब ये चीज़ जो है बच्चा लोग, ये चीज़ जो है ये बराबर है आपस में, है ना बराबर। इसकी त्रिभुज की डिटेल यहाँ लिखी है और इसकी यहाँ लिखी है ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आप लिखो AC इक्वल QR, इतना ठीक है।
और अभी इतने पे ही नहीं रुका, भुजा ए बी जो है, ये बी, ए बी कितना है यहाँ पे देखो तो, तीन है ना, तीन है, ये भी बराबर है, किसके बराबर है, ए बी जो है वो पी आर के बराबर है, किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। अब पी आर कहाँ है यहाँ, पी आर ये है ना बराबर, यहाँ पे आप लिखो ए बी क्या है, पी आर लिख दिया इसको। यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो पहला नंबर तो इनके कर्ण जो हैं आपस में बराबर हैं, दोनों का कर्ण बराबर है, कोण बराबर है और एक भुजा भी बराबर है ना बराबर। तो हमने आपको बताया था इस प्रकार के त्रिभुज क्या होते हैं, ये सर्वांगसम होते हैं, आर एच एस प्रतिबंध का पालन करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो नीचे, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर हो गया ना, या फिर चाहे ऐसे लिख देना, आता आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत, हाँ कोष्टक में लिख दो आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। बात समझ गए ना, इस तरह से इसमें एक और भी है, उसको आप खुद से कर लेना, हमने दो की तुलना किया इधर बस, अभी उधर साइड देखो एक और बचा है, एक जोड़ा ना पी क्यू आर की साइड में, तो इसको आप लोग कर लेना। हाँ इसमें देखो दो सवाल दिए गए हैं, मैंने सिर्फ ऊपर वाला हल किया, नीचे वाला नहीं किया है, ठीक है, नीचे वाला मैंने नहीं हल किया। अगर क्यू आर उसमें भी देखोगे बच्चा या फिर पी आर देखोगे तो मतलब वही पड़ेगा आपका, ठीक है, देख लेना आप, कर लेना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना निसंकोच, दोनों त्रिभुज अलग अलग बने हुए हैं, इनको लिख लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, मैं आगे से हट चुका हूँ, वीडियो को रोक करके फटाफट करो, जल्दी करो, देर मत करो, बहुत जल्दी करो। इस तरह हमारे द्वारा किए गए वायदे के मुताबिक हमने आपको दिखा दिया कौन कौन सा जो आपके सामने हेडलाइन है, सर्वांग समता समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता। आपको कैसे लगी ये क्लास, ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, निवेदन है, और क्लास को लाइक करना नहीं भूल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यार, जिससे कि वो भी ये मज़ेदार जानकारी ले सकें और पढ़ सकें। सबके लिए है ये वीडियो।